वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 का यूट्यूब चैनल उत्तराखंड दर्पण। उत्तराखंड यानी कि देवभूमि। देवभूमि उत्तराखंड के कण कण में देवताओं का वास है। उत्तराखंड में चार धाम के साथ साथ देवी देवताओं के अनेकों मंदिर हैं। उन्हीं में से भगवान शिव के कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर मौजूद हैं, यहाँ स्थित हैं। इन शिव मंदिरों के बारे में एक विशेष मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। इन पौराणिक शिव मंदिरों में से कई का संबंध सीधे महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि उत्तराखंड भगवान शिव का ससुराल है। पौराणिक मान्यताओं में उत्तराखंड में कई देवी देवताओं का निवास स्थल बताया जाता है। तो आज आपको एक ऐसे ही अनोखे शिव मंदिर के बारे में बताएंगे जहाँ दर्शनों के लिए एक अजीब सी शर्त रखी गई है। उत्तराखंड में प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक श्री प्रकाशेश्वर महादेव उन कुछ मंदिरों में से एक है जो किसी भी प्रकार के चढ़ावा, भेंट, दान को स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ तक कि गुमनाम दान भी यहाँ पर स्वीकार नहीं किए जाते हैं। यह मंदिर हरी भरी पहाड़ियों के बीच सड़क के किनारे मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित है। उत्तराखंड से लेकर पूरे भारत में कई शिव मंदिर हैं, लेकिन यह शिव मंदिर खास है। इस मंदिर में हिंदू त्योहार शिवरात्रि और सावन के महीनों में भक्तों का तांता लगा रहता है। पौराणिक शिव महापुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव जी को धतूरे के फूल, हर श्रृंगार और नाग केसर के सफेद पुष्प, सूखे कमल, गट्टे, कनेर, कुसुम, आग, कुश आदि के फूल अति प्रिय है। कहने का मतलब भगवान धन, ऐश्वर्य, छप्पन भोग आदि के नहीं बल्कि प्रेम भाव के भूखे हैं। जो भी भक्त भगवान के प्रेम भाव और सद्भावना के साथ भक्ति में लग जाता है उन्हें ही भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। देहरादून में पहाड़ों की रानी मसूरी रोड पर स्थित श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर भी इसी भाव का प्रतिबिंब है। श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर का मुख्य आकर्षण है यहाँ स्थापित शिवलिंग, जो दुर्लभ पत्थरों और स्फटिक के बने हुए हैं। स्फटिक एक प्रकार का बर्फ का पत्थर है जो लाखों वर्ष बर्फ में दबे होने से बनता है। यह दिखने में चमकदार, पारदर्शी और कठोर होता है। श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। पूरे मंदिर के ऊपर लगभग 140 से 150 से ज्यादा त्रिशूल बने हुए हैं, जो मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। और मंदिर की दीवारों को लाल और नारंगी रंग से चित्रित किया गया है। बीच में काले रंग का एक झूला भी है। मंदिर में लगे शिलापट पर अंकित जानकारी के मुताबिक यह एक निजी प्रॉपर्टी है। इसका निर्माण शिवरत्न केंद्र हरिद्वार की ओर से साल 1990 से 91 के दौरान कराया गया था। मंदिर के निर्माता योगीराज मूलचंद खत्री का परिवार है। मंदिर की देखरेख करने वाले शिवदास मूलचंद खत्री कीमती रत्नों के व्यापारी हैं, जिनका मानना है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी है वह ईश्वर की कृपा से है। ऐसे में जो ईश्वर मनुष्य को जिंदगी में सब कुछ दे रहा है, उस ईश्वर को मनुष्य आखिर क्या दान देगा। यही कारण है कि इस मंदिर में दान करने पर पूरी तरह से मनाही है। हालांकि इस खास शिव मंदिर में भक्तों से किसी तरह का कोई दान नहीं लिया जाता। बावजूद इसके इस मंदिर में हर दिन भक्तों के लिए प्रसाद के तौर पर खीर और चाय की व्यवस्था की जाती है। मंदिर के एक सदस्य ने बताया कि यहाँ भक्तों से किसी तरह का दान नहीं लिया जाता, लेकिन शिव भक्तों को प्रसाद जरूर दिया जाता है। प्रसाद को तैयार करने में जितना भी खर्च आता है उसकी व्यवस्था स्वयं की जाती है। यह शिव मंदिर देहरादून के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। मंदिर के पीछे आप मालसी हिरण पार्क और मालसी आरक्षित वन क्षेत्र के हरे भरे जंगल भी देख सकते हैं। उत्तराखंड दर्पण को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड दर्पण देखते रहिए।